सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आपका फेसबुक अकाउंट लॉक है और वहां पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे उसके ऊपर क्लिक करते हैं वहां पे जो है कंफर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, या फिर एक ऑप्शन और आ रहा है गेट ए कोड ऑन योर फोन नंबर या फिर गेट ए कोड ऑन योर ईमेल। तो दोस्तों आप जो उसको चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कन्फर्म योर आइडेंटिटी आ रहा है तो वहां पे जो है गेट ए कोड ऑन योर फोन नंबर को लाना चाहते हैं या फिर गेट ए कोड ऑन योर ईमेल नंबर को लेकर आना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको जो है कैसे आप चेंजिंग कर सकते हैं, तो आज की वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो वीडियो को जो है दोस्तों पूरा एंड तक देखिएगा, और चैनल में फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए कराता हूं। चलते हैं आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सच में अगर आप जो है अपने फेसबुक अकाउंट को अनलॉक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके जिंदगी का लास्ट वीडियो है, और इस वीडियो में मैं दो ऐसे जेन्युइन ट्रिक बताऊंगा वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा, सीधा दोस्तों आपको काम की बातें करूंगा। तो फाइनली दोस्तों सबसे पहले आपको जो है ट्विटर को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, अगर आप जो है उसको यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं तो आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली जो है ट्विटर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना है वो दोस्तों आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही ट्विटर को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो यहां पे सर्च बार पे जाना है और यहां पे दोस्तों आपको सर्च कर लेना है फेसबुक। जैसे फेसबुक सर्च करेंगे तो मेरा दोस्तों पहले से ही आ रहा है, तो मैं फाइनली यहां पे इसको ओपन कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे में आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, अगर आप अच्छे से देख पा रहे हैं नीचे में दोस्तों प्लस वाले आइकन, तो उसी के ऊपर आपको जो है फाइनली जो है दोस्तों क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहां पे क्या टाइप करना है जो कि दोस्तों आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैंने दोस्तों पहले से उसको जो है टाइप करके रखा था, मैंने पहले से लिख के रखा हूँ, सीधा मैं दोस्तों इसको पेस्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा हूँ, हाय फेसबुक टीम, व्हेन वी ट्राई टू लॉगिंग इनटू माय फेसबुक अकाउंट बट इट्स शोइंग योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक, इट्स से कंफर्म योर आइडेंटिटी विथ अपलोडिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपका गेट स्टार्ट के बाद कंफर्म योर आइडेंटिटी आ रहा है तो यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी लिखना, अगर कंफर्म योर आइडेंटिटी के बजाय दोस्तों यहाँ पे आ रहा है गेट योर कोड ऑन योर फोन नंबर, तो यहाँ पे आपको लिखना है इट्स से गेट योर कोड ऑन योर फोन नंबर, उसके बाद अपलोडिंग योर आईडी बट वी हैव, यहाँ से देख सकते हो दोस्तों मैंने कुछ इस तरह के लिख लिया हूँ, वहाँ पे इसी तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे में माई फेसबुक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद नेम, उसके बाद फोन नंबर, उसके बाद जीमेल आईडी लिख लेना है। लिखने के बाद सबसे जरूरी बात यहाँ पे एक चीज और है जो कि काफी सारे लोग नहीं बताते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है अपने आईडी का जो है स्क्रीनशॉट देख ले लेना है। तो यहाँ पे आपको जाना है और स्क्रीनशॉट वहाँ से लेने के बाद यहाँ से दोस्तों फाइनली जो आपको ट्वीट कर देना है। जैसे वहाँ से आप ट्वीट कर देते हैं उसके बाद आपको क्या करना है वो देख लीजिए। दूसरा स्टेप जो है वो दोस्तों काफी ज्यादा जेन्युइन है, और यहाँ से जो है काफी सारे लोगों का जो है फेसबुक अकाउंट अनलॉक हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है फाइनली अपना जीमेल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों सिंपली सबसे नीचे में आप लोगों को दोस्तों पेंसिल का ऑप्शन नजर आया, तो पेंसिल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है जो कि आपके लिए काफी बेहद जरूरी है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है सुन लीजिए पहले ध्यान से, एल ओ सी के ई डी लॉक सॉरी लॉक एट द रेट फेसबुक सपोर्ट डॉट कॉम, फेसबुक यहाँ पे लिख लिया दोस्तों लॉक एट द रेट फेसबुक सपोर्ट डॉट कॉम, और यहाँ पे लिखना है माई, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखना है माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन लॉक, माई फेसबुक अकाउंट हैज़ बीन लॉक। उसके बाद दोस्तों आपको कंपोज ईमेल में क्या लिखना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों वही मैसेज को यहाँ पे पेस्ट कर देना जो कि आपने ट्विटर में पेस्ट किया था, तो मैं यहाँ पे दोस्तों फाइनली जो है उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि वही मैसेज है सेम टू सेम जो कि मैंने आपको ट्विटर पे दोस्तों पेस्ट किया था, हाय फेसबुक टीम व्हेन वी ट्राई टू लॉग इन, बस इसी तरीके से देख लेना, और वहाँ पे भी वही चीज़ का ख्याल रखना है जिसका मैंने आप लोगों को बताया था। अगर गेट स्टार्ट के बाद अगर आपका कंफर्म योर आइडेंटिटी आ रहा है तो उसी को लिखना, अगर आपका गेट स्टार्ट के बाद कोट ये कोड गेट ये कोड कन्फर्म योर सॉरी गेट योर कोड योर फोन नंबर आ रहा है तो वहाँ पे वही लिख लेना है गेट योर कोड योर फोन नंबर। उसके बाद दोस्तों अपलोडिंग बट वी हैव एडिटिंग, उसके बाद इस तरीके से दोस्तों पूरा मैसेज को आपको टाइप कर देना है। उसे माय अकाउंट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से करने के बाद दोस्तों यहाँ से जो है आपको दोस्तों सिंपली जो है सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में एक ऑप्शन नजर आ रहा है, उसी के ऊपर दोस्तों आपको जो है क्लिक करके इसको जो है दोस्तों सेंड करना है। जैसे सेंड कर देंगे दोस्तों आपके पास कुछ ही टाइम में दोस्तों आपके तरफ फेसबुक की तरफ से दोस्तों ईमेल आ जाएगा और आपका फेसबुक अकाउंट जो है अनलॉक हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए।